तो गाइस फाइनली Redmi Note 6 Pro के डिवाइस में MIUI 10 की ग्लोबलाइजेशन वॉल्यूम 10.3.5.0 की अपडेट देखने को मिल गई है। मैं आप लोगों को अबाउट फोन में जाकर दिखा देता हूं दोस्तों, तो देख सकते हैं आप हम लोग को 10.3.5.0 देखने को मिल जाती है MIUI वर्जन, और इसमें हम लोग को एंड्रॉइड की सिक्योरिटी पैच जून की हो जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके डिवाइस में ये अपडेट देखने को नहीं मिली तो कैसे आप लोग इसे अपने फोन में अपडेट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, या फिर कोई सी भी रोम जब आपके फ़ोन में देखने को मिलती है तो गाइस जैसा कि पता है कोई भी स्टेबल रोम आती है तो बीटा फेज में आती है, बैचेस में रिलीज होती है। तो अगर आप लोग फर्स्ट बैच में अपने डिवाइस को अपडेट नहीं कर पाते हैं तो कैसे आप लोग अपने स्वामी किसी भी डिवाइस में उस MIUI वर्जन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों इस अपडेट में 10.3.5.0 के अपडेट में हमारे Redmi Note 6 Pro के डिवाइस में क्या क्या नए चेंज देखने को मिलती है, क्या इंप्रूवमेंट की गई, क्या बग फिक्सेस किए दोस्तों, तो सारी जानकारी हम लोग तो सारी डिस्कशन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सब बात करेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट से देखते रहिएगा। तो दोस्तों अगर मैं सेटिंग में लेकर आप लोग अबाउट फोन में दिखा देता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग अपडेट देखने को मिल जाती है MIUI वर्जन 10.3.5.0 की। लास्ट अपडेट 10.3.2.0 की अपडेट थी, उसके बाद 10.3.3.0 की अपडेट मिली थी, लेकिन दोस्तों उस अपडेट को सस्पेंड कर दिया गया। जिन लोगों ने अपडेट किया उनके डिवाइस में ये अपडेट मिल गई थी 10.3.3.0 की, और जिन लोगों ने अपडेट नहीं किया वो लोग 10.3.2.0 के अपडेट में थे। अब दोस्तों उन सभी डिवाइसेस में 10.3.5.0 की अपडेट देखने को मिल गई है, और ये अपडेट MIUI की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो चुकी है। और सिस्टम अपडेट में लेकर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ व्हाट्सएप में क्या देखने को मिलती है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखने को मिलती है कि एंड्रॉइड की सिक्योरिटी पर जून की हो जाती है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को 5/6/2019 की एंड्रॉइड की सिक्योरिटी पैच हो चुकी है, यानी अपडेट हो चुकी है। दोस्तों हम लोग को इसमें फिक्सेस की गई है कॉन्टेक्स्ट में। तो कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों क्या होता था, जब भी आपकी कोई भी कॉन्टैक्ट अगर आपके सिम में सेव है और जब उसे डिलीट करते थे तो कभी कभी होता था कि वो डिलीट नहीं होता था, तो उसे भी इसमें फिक्स कर दिया गया। ये चेंज हो दोस्तों, ये सारे चेंज हो दोस्तों हम लोगों में कई सारे डिवाइसेस में सेम टू सेम देखने को मिली है। लेकिन आप लोग सिर्फ अपने डिवाइस के बारे में ही वीडियो देखना पसंद करते हैं, इस वजह से दोस्तों मुझे वो सारी बातें हर वीडियोज़ में बतानी पड़ती है और वीडियोज़ काफ़ी लंबी हो जाती है। अगर आप लोग मेरी सभी वीडियोज़ को देखा करेंगे तो मेरे को बार बार सेम फीचर्स को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये सारे फीचर्स अगर आप लोग दूसरे डिवाइस को यूज़ करते हैं तो आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। खैर दोस्तों आपको नहीं देखते हैं तो आप लोगों को बताना मेरा फर्ज बनता है। अब दोस्तों उसके बाद से हम लोग को न्यू ऑप्शन देखने को मिल जाती है, लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट को हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं अभी क्लॉक फॉर्मेट यहाँ पर लगा कर रखा हूँ, तो ये आपको देखने को मिल जाती है। तो इसके लिए दोस्तों हमको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, लॉक स्क्रीन पासवर्ड में, एडवांस सेटिंग्स में, और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाती है लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट। तो अगर आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिलती है, तो जो भी पसंद हो दोस्तों आप उसे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और नई फीचर्स हम लोगों को देखने को मिली है, यूज योर फिंगरप्रिंट टू ओपन होम स्क्रीन वंस यू अनलॉक द डिवाइस यूजिंग अ फेस डाटा एंड इंस्टॉल लॉक स्क्रीन। यानी दोस्तों हमारा फ़ोन लॉक है, पावर बटन को प्रेस किए और अपने फेस से हम लोग अपने फ़ोन को अनलॉक कर दिए। अब हम लोग अपने फिंगर को यहाँ टैप करेंगे तो हमारी फ़ोन यहाँ अनलॉक हो गई, देख सकते हैं पहले ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलती थी। जबकि दोस्तों मेरे फ़ोन में फिंगरप्रिंट रजिस्टर्ड नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से फिंगरप्रिंट रजिस्टर्ड नहीं है। इसके बावजूद दोस्तों अगर हम लोग फेस डाटा से अपने फ़ोन को अनलॉक कर लेते हैं और जब अपने फिंगरप्रिंट टैप करेंगे तो फ़ोन अनलॉक हो जाती है। तो नई फीचर देखने को मिली है, काफ़ी अच्छी अपडेट देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों एक और फिक्सेस की गई है इस मीडिया वॉल्यूम में। तो अगर हम लोग मीडिया वॉल्यूम वगैरह मीडिया सुनते हैं अपने फ़ोन में और जब कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलती है तो ये मीडिया वॉल्यूम रिस्टोर हो जाती है, तो इसे इस अपडेट में फिक्स किया गया। इसके अलावा दोस्तों ऑप्टिमाइजेशन सॉर्टिंग बेनिफिट्स फॉर वाईफाई नेटवर्क्स। तो अगर आपके एरिया में वाईफाई बहुत से देखने को मिलती है तो वो आप लोगों को अल्फाबेटिक ऑर्डर में वहाँ पर सॉर्ट कर देगा कि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो। इसके अलावा दोस्तों मी क्लाउड में आप लोगों को ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाती है, यानी दोस्तों अगर आप लोग एक से ज़्यादा डिवाइस को यूज़ करते हैं सेम अकाउंट में, तो अगर आप लोगों ने किसी एप्लीकेशन को, मैसेज को, नोट्स, किसी भी चीज़ को अगर आप लोगों ने इसमें सिंक किया है तो आप अगर दूसरे डिवाइस में सेम ही अकाउंट लॉगिन करेंगे दोस्तों तो वो सेम चीज़ आप लोगों को उस डिवाइस में भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये तो हो गई ऑफिशियल चेंज जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा हम लोग अगर बात कर लेते हैं क्या एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलती है दोस्तों, तो वो है कि 10.3.3.0 के अपडेट में दोस्तों हम लोग को डार्क मोड की फीचर देखने को मिल गई थी, और दोस्तों जो लोग 10.3.2.0 की अपडेट यूज़ कर रहे थे उनके लिए मिसिंग था। तो फाइनली दोस्तों अब उनके लिए भी, सबके लिए भी डिस्प्ले में जाने के बाद जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर डार्क मोड की फीचर देखने को मिल जाती है। देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से काम करती है, सिस्टम वाइज डार्क मोड देखने को मिल जाती है। जहाँ भी जाएंगे दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर डार्क मोड देखने को मिल जाती है। अगर मैं आप लोगों को सिस्टम अपडेट दोस्तों दिखा देता हूँ तो यहाँ भी आप लोगों को डार्क मोड देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों ये वाली फीचर देख सकते हैं रेस टू वेक, तो इस फीचर को हम लोगों को बीटा में रिमूव कर दिया गया था ग्लोबल बीटा में, लेकिन अब स्टेबल में हम लोग को देखने को मिल जाती है, पहले भी देखने को मिलती थी लेकिन इसे रिमूव कर दिया गया था। तो ये फीचर्स क्या दोस्तों, जैसे हम हमारा फ़ोन रखा हुआ है, जैसे हम लोग उठाएंगे यहाँ पर हमारी स्क्रीन ब्लिंक होगी, और अगर आप लोग अपने फेस डाटा से अपने फ़ोन को सेट कर रखे हैं तो यहाँ पर हमारी फ़ोन अनलॉक हो जाएगी, स्वैप
स्वाइप अप करके अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं या फिर फिंगरप्रिंट से भी अपने फ़ोन को अनलॉक करते हैं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लॉक स्क्रीन पासवर्ड में हम लोग एक नई फीचर देखने को मिल जाती है, हम लोग जाते हैं फेस डाटा में, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाती है स्टे ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग योर फोन, यानी अपने फेस डाटा से अपने फ़ोन को अनलॉक करेंगे तो अनलॉक करने के बाद भी दोस्तों देखे होंगे आप लोग हमारी फ़ोन लॉक स्क्रीन पर स्टे रहती है। तो लॉक स्क्रीन में दोस्तों आप लोग नोटिफिकेशन वगैरह चेक कर सकते हैं या फिर नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन की वॉलपेपर को आप लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि इंस्टेंटली आप अपने फ़ोन को अनलॉक करें तो इसके लिए आपको इस ऑप्शन को डिसेबल कर देना, उसके बाद जब भी आप अपने फ़ोन को फेस अनलॉक से अनलॉक करेंगे तो इंस्टेंट हमारी फ़ोन अनलॉक हो जाएगी। देख सकते हैं हम लोगों ने होम पेज पे आगे जहाँ भी हम लोग जिस पेज पे थे उस पेज पे हम लोग डायरेक्टली स्विच कर चुके हैं, तो काफ़ी अच्छी फीचर जैसे हम लोग को देखने को मिल जाती है। अगली फीचर्स की दोस्तों बात कर लेते तो वो हम लोग को देखने को मिलती है ऐप लॉक में। तो अगर हम लोग ऐप लॉक में जाते हैं दोस्तों तो देख सकते हैं सिक्योरिटी में हम लोग यहाँ पर ऐप लॉक की फीचर देखने को मिल जाती है या फिर आप लोग सेटिंग में जाकर ऐप लॉक को सर्च कर सकते हैं। आप लोग में जाने के दोस्तों अगर आप लोग अपने फ़ोन को पिन पैटर्न या पासवर्ड कुछ भी देकर रखे हैं दोस्तों तो वो देने के बाद आप तो आप लोग अपने एप्लीकेशन को फेस से भी अनलॉक कर सकते हैं। देख सकते हो दोस्तों ये फीचर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं 10.3.5.0 के अपडेट में। दोस्तों बीटा में तो क्या बोलूँगा, बीटा में तो हम लोग को बहुत कुछ देखने को मिलती थी और ये फीचर्स तो काफ़ी पुरानी हम लोग को बीटा में हो चुकी है, पर दोस्तों क्या बोले बीटा नहीं है तो हम लोग स्टेबल की बात करते हैं। तो दोस्तों ये फीचर्स हम लोगों को देखने को मिल जाती है कि अब आप लोग कि आप लोग अपने किसी भी एप्लीकेशन का ऐप लॉक से लॉक कर रखे हैं तो आप लोग उसे फेस से भी फेस डाटा से भी उसे अनलॉक कर सकते हैं और फिंगरप्रिंट से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर मैं सेटिंग में लेकर दिखा देता हूं दोस्तों तो देख सकते हैं ये दो फीचर्स आपको देखने को मिल जाती है अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट अब फेस अनलॉक। तो दोस्तों यही तो हो गई सब चेंज लॉक, सारी डिस्कशन मैंने आप लोगों को बता दी जो मुझे इस अपडेट में देखने को मिला है। अगर आप लोगों को इसके अलावा कुछ और भी देखने को मिलती है दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट दे दूं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग ऐप वर्ल्ड में जाते हैं दोस्तों तो ऐप वर्ल्ड में हम लोगों को काफ़ी सारे एड्स देखने को मिल जाती है, न्यू कैटेगरीज की यहाँ पर एड्स देखने को मिल जाती है। और दोस्तों बग फिक्सेस ऑप्टिमाइजेशन की बात कर लेते हैं तो बैटरी इसमें मुझे इंप्रूवमेंट देखने को मिली है अगर बीटा से कंपेयर करें या फिर लास्ट वाले अपडेट से कंपेयर किया गया था, जिसकी वजह से लास्ट अपडेट को सस्पेंड किया गया था दोस्तों, बैटरी इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। और कैमरा की दोस्तों बात कर लेते तो कैमरा भी आप लोगों को इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाती है, आप लोग लो लाइट में भी अगर फोटोज कैप्चर करते हैं दोस्तों काफ़ी डिटेलिंग आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं रात के 2:30 बजे फोटो कैप्चर किया हूँ, बिल्कुल लो लाइट आपको देखने को मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों हम लोगों को क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, तो कैमरा में दोस्तों काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कि Xiaomi के किसी भी डिवाइस में अगर आपको OTA देखने को नहीं मिली है स्टेबल अपडेट की तो कैसे आप लोग उसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे, वो भी बिना किसी एरर के। जो भी लेटेस्ट अपडेट आई है दोस्तों हम लोग उसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे, 10.3.5.0 को अपने इस फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे Redmi Note 6 Pro में। सिस्टम अपडेट दोस्तों ले आकर दिखाया था यहाँ पर, तो हम लोग कोई भी OTA देखने को नहीं मिली है, देख सकते हैं यहाँ पर 10.3.2.0 की अपडेट ही आप लोगों को देखने को मिलती है, चेक अपडेट करता हूँ तो कोई भी अपडेट नहीं है, जबकि दोस्तों हम लोग को 10.3.5.0 की अपडेट आ चुकी है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे हम लोग इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे आप लोग अपने फ़ोन को अपडेट कर सकते हैं किसी भी डिवाइस को, मैं आप Redmi Note 6 Pro में दिखा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ये मेथड आप अपने Xiaomi में किसी भी डिवाइस में कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मुझे अपडेट देखने को नहीं मिली है, 10.3.2.0 की अपडेट में हूँ और यहाँ पर आप लोगों को 10.3.5.0 की अपडेट देखने को मिल गई है। तो दोस्तों सबसे पहले काम आप लोगों को करना है कि सिस्टम अपडेट में जाकर चेक करना है कि आप लोगों को अपडेट देखने को मिली है कि नहीं मिली है, क्योंकि दोस्तों अपडेट जब भी रोल आउट होती है तो कुछ बैचेस में होती है कुछ फेसेस में होती है, फर्स्ट फेस सेकंड फेस थर्ड फेस इस तरह से फेसेस में होती है, और जब कोई भी बग देखने को नहीं मिलती है कोई भी रिपोर्ट या फीडबैक नहीं जाती है नेगेटिव फीडबैक, तब वो अपडेट आप लोगों के द्वारा पब्लिक में देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आप लोग मैन्युअली भी कर सकते हैं, तो मैन्युअली करेंगे दोस्तों आप लोगों को एक फाइल की जरूरत पड़ेगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ, देख सकते हैं वाली फाइल आपको देखने को मिल जाती है 10.3.5.0 की फाइल, ये वाली मैं डिस्क्रिप्शन में फुल लॉन्ग की फाइल दे दूंगा और OTA की फाइल दे दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग फुल लॉन्ग वाली फाइल ही ट्राई करें। अब दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को सिस्टम अपडेट में जाना है और थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, अगर आप लोगों को यहाँ पर थ्री डॉट्स पर चूज आउट पैकेज की ऑप्शन नहीं आ रही तो इस MIUI 10 पर आप लोगों को मल्टीपल टाइम टैप करना है, जैसे ही टैप करेंगे दोस्तों आप लोग यहाँ पर ऑप्शन इनेबल हो जाएगी एडिशनल फीचर इनेबल, जब आपकी ये फीचर इनेबल हो जाएगी उसके बाद दोस्तों हम लोग थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे चूज आउट पैकेज में जाएंगे और जहाँ पर उस फाइल को सेव किए हैं, तो जैसे देख सकते हैं दोस्तों वाली फाइल देखने को मिल रही है। अब दोस्तों इसे क्लिक करेंगे अपने फोन में ओके करेंगे दोस्तों, हो सकता है कि आपके फोन में यहाँ पर अपडेट हो जाए, हो सकता है कि आपको यहाँ पर एरर देखने को मिले, अगर अपडेट हो जाए तो अच्छी बात है, और अगर आप लोग एरर यहाँ पर देखने को मिलते दोस्तों तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, उस केस में दोस्तों आप लोग
वेट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल गई है रिपोर्ट एंड अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, क्योंकि हम लोग ग्लोबल स्टेबल से ग्लोबल स्टेबल पर जा रहे हैं, 10.3.2 से 10.3.5 पर जा रहे हैं। इस वजह से हम लोग कोई भी डाटा एरर नहीं हो रही, लेकिन हो सकता है दोस्तों आपके केस में आप एरर देखने को मिले। तो एरर क्यों देखने को मिलती है दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये लिंक जब ये कुछ बेसिस में देखने को मिलती है, इस वजह से दोस्तों आप लोगों को वहाँ पर एरर देखने को मिलती है, लिखा आता है कि बीटा फेस में है। दोस्तों मेरे केस में यहाँ मुझे कोई भी एरर देखने को नहीं मिली है, मेरा फोन यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। सेटिंग में लेकर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अबाउट फोन में, तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा फोन यहाँ पर 10.3.5.0 के अपडेट में अपडेट हो चुका है, रेडमी नोट 6 प्रो डिवाइस, जिसमें लोगों को जून की 35 देखने को मिल गई है। दोस्तों हो सकता है कि आपके डिवाइस में यहाँ पर एरर देखने को मिले, तो एरर दोस्तों क्यों देखने को मिलती है, किस वजह से देखने को मिलती है दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों को अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, आप मेरी वीडियोज को नहीं देखते हैं, इस वजह से दोस्तों आप लोगों को सही जानकारी देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों होता क्या है कि कोई भी लिंक जब रिलीज होती है ग्लोबल स्टेबल की, स्टेबल की, वो बीटा फेस में आती है। तो बीटा फेस में होने की वजह से दोस्तों क्या होता है, उस लिंक को सर्वर में ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हो सकता है जब आप लोग ट्राई करें उस वक्त वो बीटा फेस में हो, और जब मैंने ट्राई किया तो मेरा यहाँ पर ओपन फेस में था, तो आपके फेस में क्लोज बीटा में, मेरे फेस में ओपन बीटा में, इस वजह से दोस्तों आप लोगों को वो एरर देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों जब भी आप लोग फाइल को डाउनलोड करेंगे तो उसकी एक कॉपी बना लेंगे, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी अगर आपकी ये वाली फाइल करप्ट हो जाती है, क्योंकि एक बार यूज़ होने के बाद फाइल करप्ट हो जाती है।